बजे सिंधिया छतरी पर उनका राजसी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए उनके परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उनके बेटे हैं, और इसके अलावा आप तस्वीरों में देखेंगे यशोधरा राजे सिंधिया को भी, वो भी यहीं पर मौजूद हैं। और ग्वालियर के अन्य लोग आज यहां पर पहुंचे जहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, और इस पूरे अंचल के लिए सिंधिया परिवार की जो अहमियत है वो काफी ज्यादा है। ऐसे में राजमाता का जाना कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा दुखी कर गया है। और हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, विनोद अभी क्या तस्वीरें वहां की? देखिए बता दूं, मैं इस समय ग्वालियर के जयविलास पैलेस में हूं, जहां से अब थोड़ी ही देर में लगभग 5-7 मिनट का वक्त बताया जा रहा है, उसके बाद यहां से राजमाता माधवी राजे सिंधिया की अंतिम दर्शन यात्रा शुरू होगी और तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब यहां से यात्रा होगी। पूरी मैं देख रहा हूं इस समय पूरी पुलिस व्यवस्था के बीच में ये यात्रा। ठीक, जैसे दोबारा जुड़ते हैं विनोद, तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल कुछ ही देर में आपको बता दें कि यहां से ये यात्रा निकलेगी जिसमें लोग अंतिम दर्शन भी उनके कर सकेंगे, और इससे पहले पैलेस में आपको बता दें कि उनके अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया था। विनोद हमारे साथ जुड़ गए जी, विनोद दिखाइए तस्वीर। बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ग्वालियर का जयविलास पैलेस का वो स्थान है जहाँ जो पर्दे डले हुए आप देख रहे होंगे, पर्दे के भीतर ही राजमाता माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव शरीर है, और थोड़ी देर में कुछ मिनटों में अब यहां से अंतिम दर्शन यात्रा शुरू होने वाली है। तो बिल्कुल थोड़ी देर में जो यात्रा है वो शुरू होने जा रही है, और शाम 5:30 बजे आपको बता दें कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल उनका निधन हुआ था 9:00 बजे के करीब, उसके बाद उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो सरकारी आवास है वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, उसके बाद आज सुबह उसको ग्वालियर लाया गया है, और अब थोड़ी देर बाद आपको बता दें कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। विनोद एक बार फिर से जुड़ गए जी, विनोद। बिल्कुल, देखिए मैं लोकेंद्र में दिखाना चाह रहा था यहाँ की जो तस्वीरें हैं, यहाँ लोग अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए ग्वालियर के जयविलास पैलेस से अभी साथ में चलेंगे, और इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जो प्रमुख लोग हैं उनमें प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, वर्तमान के विधायक भी यहाँ पर इस समय इस यात्रा में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं देखिए ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कोई चाहता था कि राजमाता की इस अंतिम शव यात्रा में शामिल हों, दर्शन करें उनके। मोहन सिंह राठौर हैं, सिंधिया परिवार के बहुत करीबी हैं, विधायक भी हैं मोहन सिंह जी, इस अंतिम दर्शन यात्रा में आप भी शामिल हो रहे हैं, कितनी यादगार रहेगी राजमाता की? आज का बड़ा दुखद दिन है हम सब के लिए, पूरे परिवार के लिए। मैं तो 18 साल स्वर्गीय महाराज मदर सिंधिया जी के साथ रहा, से कई अवसर आए जब महाराज सिंधिया जी को संबल की आवश्यकता थी, जब मनोबल में थोड़ी सी भी कमी आई तो राजमाता साहब ने बहुत ताकत दी, और सभी कार्यकर्ताओं को जो प्रेम स्नेह दिया उसको हम सब लोग आज याद करते हैं। अगर ग्वालियर चंबल संभाग का कोई आदमी कभी अगर उसको आवश्यकता स्वास्थ्य सेवाओं की पड़ी, अगर आवश्यकता उसको किसी मुसीबत में पड़ी, तो सदैव उन्होंने समाज सेवा के माध्यम से तमाम सारे ऐसे अवसर रहे कि जब उन्होंने भरपूर मदद की। बिल्कुल, देखिए समझ गया आपकी बात। मोहन सिंह राठौर जो विधायक ने बता रहे हैं कि राजमाता माधवी राजे सिंधिया भले ही राजनीति में प्रत्यक्ष न रही हों, लेकिन समाज सेवा के जरिए उन्होंने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की, और सिंधिया परिवार की जो एक खासियत बताई जाती है कि जन सेवा का भाव रहा है हमेशा, एक परिवार के मुखिया के तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल को वो देखते हैं, तो वो सारी चीजें लोगों की याद में जहन में रहेंगे। विनोद, अगर बात करें जो छतरी पर जहां पर अंतिम संस्कार होगा, वहां से यात्रा लगभग कितनी दूरी का सफर तय करेगी? देखिए यहां से अभी यात्रा शुरू होगी तो लगभग 5:15 बजे के करीब पहुंच जाएगी, और 5:30 बजे मुखाग्नि दी जाएगी राजमाता माधवी राजे सिंधिया को,
तो तकरीबन अभी लगभग 1.5 घंटे का वक्त है वहां तक पहुंचने में, और उसके बाद जो अंतिम क्रिया होंगी बस उसी में जितना वक्त लगना होता है लगेगी, क्योंकि वहां तमाम गणमान्य नागरिक, तमाम राज परिवारों के सदस्य कुछ पहुंच गए, कुछ इस अंतिम दर्शन यात्रा में चलेगी। तो लोगों का जो लगाव है सिंधिया परिवार से, जो लोगों का एक रिश्ता है, चाहे वो राजनीति के जरिए से रहा हो या समाज के जरिए रहा हो, उस रिश्ते का ही एक मूल आधार है कि लोग यहाँ पर आए हैं और इस अंतिम यात्रा में अब शामिल हो रहे हैं। शुक्रिया विनोद आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो थोड़ी देर में आपको दादी की यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं ग्वालियर की जय विलास पैलेस में राजमाता माधवी राजे सिंधिया के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बैरिगेड्स लगाने पड़े और अंतिम दर्शन की लाइन को ब्रेक कर भेजना पड़ा। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने। राजमाता माधवी राजे सिंधिया के अंतिम दर्शन के लिए केवल ग्वालियर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तमाम वो लोग हैं जो सिंधिया परिवार से जुड़े हुए हैं, कोई राजनीति से जुड़ा हुआ है तो कोई उनके पारिवारिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये भीड़ बता रही है कि देखिए राजमाता का जाने का कितना बड़ा दुख है और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों की जो भीड़ लगी है उस भीड़ से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आज भी सिंधिया परिवार का जो रिश्ता है इस ग्वालियर चंबल अंचल के खासकर लोगों से, वो रिश्ता एक अटूट रिश्ता है। और जब भी आप किसी भी कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम सुनते हैं तो वो लगातार ये कहते हैं कि सिंधिया परिवार का एक अटूट रिश्ता जनता से है जो हमेशा कायम रहेगा। कुछ लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। ये कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? हम शिवपुरी से आए। शिवपुरी? शिवपुरी से आए। मैं पुरानी शिवपुरी से। हम लोग आए शिवपुरी से। हाँ शिवपुरी से। श्रद्धा सुमन अर्पित कर। हाँ श्रद्धा सुमन। आप भी शिवपुरी से? नहीं गुना से। गुना से आए ना? आप कहाँ से आए? हम शिवपुरी से आए हुए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं राजमाता साहब को। पता चला तो कितना बड़ा दुख हुआ आपको राजमाता के जाने का? राजमाता के जाने का पूरे चंबल शहर में, पूरे चंबल संभाग में बहुत बड़ा दुख है और बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है इस संभाग के लिए राजमाता का जाना। और आज सभी लोग बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के व्यथित हैं। हम इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हैं। कुछ महिलाएं भी देखिए अंतिम दर्शन के लिए आई हैं, कुछ महिला। हाँ बिल्कुल मैं बात कर लेता हूँ। आप कहाँ राकेश जी? कौन कौन आया और कौन आया? हमारे साथ में व्यंजना मिश्रा जी हैं और अशोक शर्मा जी हैं और सरपंच हैं। सभी लोग आए? कब से लाइन में लगे हैं? हम करीब सवेरे 10 बजे यहाँ आ गए थे और वैसे तो हम कल से ही हैं। व्यवस्था में भी हैं आप? हाँ। देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये राजमाता माधवी राजे सिंधिया की अंतिम दर्शन के लिए आए हैं और जब तक दर्शन नहीं हो जाते तब तक श्रद्धा सुमन अर्पित करने की भावना उनके मन में रहेगी। अब देखिए आप ये एक शोक संवेदनाओं के ऐसे पल हैं जो हर किसी के मन में कहीं ना कहीं सिंधिया परिवार से लगाव और जुड़ाव को दर्शाते हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ओडिशा दौरे पर रहे जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सुंदरगढ़ लोकसभा के बाल संकरा में सभा का आयोजन हुआ। सीएम ने संबोधित करते हुए जनता से बीजेपी के लिए समर्थन मांगा।